भगत पूर्ण सिंह जी की 29वीं बरसी अज तो 5 अगस्त तक भगत पूर्ण सिंह चैरिटेबल संस्था के वालों श्रद्धा से सत्कार के नाम मनाई जाएगी। इसकी जानकारी देंदे संस्था की मुखी डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने की कहा, आओ देखते हैं। भगत जी परम सत्कार योग भगत पूर्ण सिंह जी की बरसी 29वीं बरसी असं मना जा रहे हैं कि असं सहज पाठ का आरंभ किया 25 जुलाई में और 20 जुलाई तो साढ़े यूट्यूब के उत्ते वक्रे वक्रे व्याख्यान आ रहे हैं पहला ही और जड़ा कल 31 जुलाई में प्रोग्राम बच्चों का असं ड्राइंग कंपटीशन किया। कल 3 तरीक को खूनदान कैंप लगेगा 10 बजे माना वाले, तो 4 तरीक को कवि दरबार होएगा जड़ा इस थान पर जिथे बैठे हैं बस स्टैंड के सामने जड़ा साडा पिंगलवाड़ा मेन पिंगलवाड़ा हैगा इत्थे, तो 5 नू भी इत्थे ही प्रोग्राम होएगा, सहज पाठ का भोग होएगा, उस तो बाद कीर्तन होएगा, भाई मान सिंह होरां दी कथा होएगी, अवार्ड दिता जाएगा बहुगुणा जी नू ते उहनां दे मैसेज तो जड़ा ते विजय बेली जी अपना व्याख्यान देंगे और जोड़े चढ़ती कला जी है टाइम टीवी गुरबाणी वाले डायरैक्ट टैलीकास्ट भी करे साडा प्रोग्राम, ये उन्होंने भी धन्यवाद। तो बाकी 6 किताबा भी असी उस दिन रिलीज़ करनिया, 254 किताबा भगत जी तो बाद जड़िया ने पिंगलवाड़ा वालों छापी गई ने, तो 6 होर ऐतकी जड़िया ने असी रिलीज़ कर जा रहे हैं। एक सुंदर लाल बहुगुणा जी के उत्ते है, एक गुरु नानक देव जी के उपर है, एक डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति होरां ने लिखी है कुदरत दा हाणी भगत पूर्ण सिंह जी, अज भी नवा जमाना दे विच उन्हां दा भगत पूर्ण सिंह जी ते पूरा सफा जिहड़ा लेख आया उन्हां दा लेख आया डॉक्टर दीप्ति दा लिखा होया। तां इस तरह जिहड़े भगत जी दी जिहड़ी है 5 तरीक नूं साडा अखीरले विच समाप्ति होएगी। संगतां नूं बेनती है कि सारे प्रोग्रामां दे विच शामिल होण, तो बहुत सारे जिहड़े लिंक है सी ऑलरेडी यूट्यूब ते दित्ते होए ने, जिहड़ियां बहुत सारियां हो चुके ने विद्वानां दे विचार यूट्यूब दे उत्ते, असीं भगत जी दीआं वक्खरियां वक्खरियां गल्लां जिहड़ियां वक्खरियां वक्खरियां शख्सीयतां ने उहनां बारे अपना अपना विचार दस्सिआ, तो सारिआं नूं बेनती है कि वह यूट्यूब दे उत्ते असीं सारे ते लिंक पा देंगे, तो सारे जरूर उहनां विद्वानां नूं सुणन क्योंकि वह साडी जिंदगी विच सहाई होणगे, आउण वाली जिंदगी विच वी सहाई होणगे। भगत जी का जी बरसी असी हर साल मनाने, भगत जी का असल संदेश की सी जिहड़ा कि लोगों तक पहुँचना चाहिए जो वक् वक् बुलारे से पहुँचाणगे, लेकिन तुसी दसो भी असल संदेश है की सी अज के अजोके समय जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक की सी। भगत जी ने 1927 तो वातावरण संबंधी गल शुरू की सी और लोगों को जागृत करना शुरू किया सी और उन्होंने जिहड़ा अपना जीवन इस काम लिए ला दिता, प्रेस भी इस लिए लाई उन्होंने क्योंकि सब तो पहला पिंगलवाड़ा ब्रांड तो भी पहला उन्होंने प्रेस लाने का एक इतने कम एक दुकान किराए पर लैके प्रेस लगाई थी, तो प्रेस लगाने तो पहला गत्ते ते लिख के अपना संदेश रुख लाओ जिंदगी बचाओ, तो उन्होंने कहते सीगे मैं चौंकों खड़े हो के गत्ते दे उत्ते लिख के खड़ा हुंदा सीगा ये मैसेज देने लिए, सानू सारयां नू पता बहुत सारयां नू पता कि दरबार साहब के बाहर भगत जी बैठे होंदे सी और बहुत सारा जिहड़ा इश्तिहार होंदे सीगे वक्रे वक्रे विशेआं दे उत्ते, रो रही धरती हवा पानी की पुकार सुनो, ये जिहड़ा मतलब अज जो संकट असी देख रहे हैं जो तो सारे जर्मनी च तां चाइना च तां वक्रे वक्रे दुनिया के हिस्सों के विच जो तूफान आ रहे ने, जो भूचाल आ रहे ने, जो हड़ आ रहे ने, जो पहाड़ गिर रहे ने, ये साडियां करतूतां दा फल है क्योंकि असी भगत जी तो बहुत देर तो कुदरत नाल जीण दा सानू संदेश दे के गए हैं पर असी अपने होमे दे बस अपने आप नूं वधिया दसण दे चक्कर दे विच पत्थर लाई जा रहे हैं गुरद्वारियां च मंदरां च घरां च, सीमेंट वध तो वध वरत रहे हैं वह भी पहाड़ा तो आता, चिप्स भी पहाड़ा तो आती है, तो पहाड़ा ते सड़कां बना रहे हैं वड्डियां वड्डियां, तो अज एक डैम भी टुट गया चाइना च बहुत वड्डा और सुंदर लाल बहुगुणा जी ने 72 दिन का फास्ट किया फ्री डैम भी ना बनाया जाए जो छोटी की हाइट घट की जाए, पर किसी ने कोई गल नहीं सुनी और जिदन भाखड़ा डैम टुटे सारा पंजाब डुब जाना,
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀਗੀ ਰੋਟੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਬਚਾਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਜਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ